इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वकील पर हमला करने के आरोप में पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश। पुलिसकर्मी द्वारा वकील पर कथित हमला। मुंबई बार काउंसिल की 2 दिवसीय हड़ताल खत्म। अब एक्शन में आई मुंबई पुलिस। बार काउंसिल के सदस्यों ने विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दिए मामले के जांच के आदेश। आरोपी पुलिस अधिकारी का हुआ तबादला। सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालतों में कई स्थानीय बार संघों से संबद्ध वकीलों ने शुक्रवार को बोरीवली एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के एक स्थानीय सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने सदस्य अधिवक्ता पृथ्वीराज झाला पर कथित हमले के विरोध में बुलाए जाने के बाद शुक्रवार को काम से अनुपस्थित रहे। मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा है कि उस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं जिसमें कांदिवली पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक हेमंत गीते पर बोरीवली अदालत से जुड़े एक वकील के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है और अगले आदेश लंबित पूछताछ तक उन्हें हिरासत में रखा गया है। अपनी वर्तमान पोस्टिंग से डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 11 के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। एडवोकेट एसोसिएशन ने एपीआई हेमंत गीते के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 14 मार्च 2023 को एडवोकेट पृथ्वीराज झाला पर हमला किया। जस्टिस हिमा कोहली गीते को बाद में पुलिस थाने के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। झाला ने राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर के अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 324 और 506(2) के तहत गलत अवरोध, हमला और आपराधिक धमकी के लिए जांच की मांग की है। झाला ने अपने मुवक्किल के अनुरोध पर पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सुभाष घाट के, सुदीप पासबोला, विठल कौंडे देशमुख और उदय वारुणजीकर ने विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती से मुलाकात की और गीते के खिलाफ झाला की शिकायत के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई का अनुरोध करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। वारुणजीकर ने कहा कि भारती ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि जांच 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और इसके परिणाम झाला और बार काउंसिल के साथ चर्चा की जाएगी। झाला ने डीसीपी अजय बंसल को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 14 मार्च को गीते ने उनके साथ मारपीट की थी और उन्हें कांदिवली पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल दिया था। बंसल ने गोरेगांव संभाग के सहायक पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं और अगले आदेश तक गीते को कांदिवली पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग से बंसल के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि एसीपी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बोरवली एमएम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदर्शित एक बोर्ड ने कहा कि कथित हमले के विरोध में काम से दूर रहने का फैसला किया गया था। मझगांव कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इसके अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि बोरीवली कोर्ट मुंबई के हमारे सहयोगी के हमले के विरोध में हम कानून काम से दूर रहेंगे। बोरीवली एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट दत्तात्रेय मंदार ने भी दादर एडवोकेट बार एसोसिएशन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बांद्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष आरजी उपाध्याय ने भी शुक्रवार को अदालती कामकाज से दूर रहने और पुलिस को इस तरह की अनुचित और जंगली हरकतों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए एक नोटिस जारी किया। एडवोकेट एसोसिएशन स्मॉल कोर्ट मुंबई ने के सचिव मुस्तफा शब्बीर द्वारा जारी एक नोटिस में शुक्रवार को काम करने के लिए काली पट्टी पहनकर विरोध करने और एकजुटता में वकील के साथ खड़े होने का फैसला करते हुए कहा कि हमारे एक एडवोकेट भाई पर हाल के हमले के बारे में सुनकर के हम एसोसिएशन के सदस्य लोग बहुत ही व्यथित और परेशान हैं और हमारे सहयोगियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों पर इस तरह के हमले न केवल अस्वीकार हैं बल्कि हमारे समाज में कानून और न्याय के शासन के लिए भी एक गंभीर खतरा है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल इंडिया आजकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।